द्रौपदी मुर्मू जनजातीय समुदाय से संबंधित भारत की पहली राष्ट्रपति है उनका जन्म 20 जून 1958 उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में हुआ था उनके पिता का नाम बिरंची नारायण टूडू था द्रौपदी मुर्मू की पढ़ाई भुवनेश्वर के रामा देवी कॉलेज से हुई है द्रौपदी मुर्मू का विवाह श्याम चरण मुर्मू से हुआ जिनसे उनके दो बेटे और एक बेटी हुए द्रौपदी मुर्मू ने एक अध्यापिका के रूप में अपना जीवन आरंभ किया उसके बाद धीरे धीरे राजनीति में आ गई द्रौपदी मुर्मू ने रायगंजपुर में श्री इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में एक सहायक शिक्षक के रूप में अपनी शुरुआत की थी वह आदिवासी समाज की एक पढ़ी लिखी महिला है जिसके कारण उनके ऊपर अपने समाज की प्रति कई जिम्मेदारियां थीं द्रौपदी मुर्मू ने राजनीति में कदम 1997 में रखा उन्होंने पार्षद के रूप में स्थानीय चुनाव जीते और उस वर्ष भाजपा के एसटी मोर्चा की राज्य उपाध्याय बनी उन्होंने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़कर दो बार रायगंजपुर सीट हासिल की और 2000 में उड़ीसा सरकार में राज्य मंत्री बनकर अपनी सेवा दी ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी और बिरजू जनता दल संगठन सरकार के दौरान वह 6 मार्च 2000 से 6 अगस्त 2002 तक वाणिज्य और परिवहन के लिए स्वतंत्र स्वभाव मंत्री रही थी उस साल 2013 में मयूरभंज जिले के पार्टी का जिला अध्यक्ष पद के लिए पदोदित किया गया था उन्होंने अब तक के जीवन में कई श्रेष्ठ काम किए हैं जिनके चलते उनको साल 2022 में भारत का एक सम्मानित पद राष्ट्रपति की उम्मीदवार के लिए चुना गया है उन्होंने कई प्रतिष्ठित पदों पर रहकर भारतीय जनता पार्टी भाजपा की सेवा की 2015 से 2021 तक उन्होंने झारखंड नौवे राज्यपाल के रूप में कार्य किया था द्रौपदी मुर्मू की अच्छी राजनीतिक छवि और अनुभव ही उनका आगे का मार्ग प्रदर्शित कर रही है जुलाई 2022 में वह भारत देश की पंद्रहवीं और वर्तमान की राष्ट्रपति चुनी गई द्रौपदी मुर्मू इस तरह का शीर्ष स्थान पाने वाली पहली आदिवासी महिला है उन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए ओडिशा विधानसभा द्वारा नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया कुछ साल पहले जब प्रणव मुखर्जी राष्ट्रमंत्री भवन छोड़ने के लिए तैयार थे द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में चुना गया था द्रौपदी मुर्मू ने अपनी कैरियर में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम किया और 2022 में वह भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी उनसे पूर्व किसी भी आदिवासी का नाम राष्ट्रपति पद के नामांकित नहीं किया गया था